सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज का BMPS ग्रुपिंग के बारे में। यस, ग्रुप चेंज हो चुका है, आगे बताता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ न्यूज़ है और जो टीम क्रो से एक प्लेयर बैन हुआ था तो कल क्रो स्ट्रीम करे थे जहाँ पे वो सब कुछ क्लियर करते और वो क्या एक्शन लिए है वो भी आगे बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल भी कुछ बंदों ने सपोर्ट किया था, जैसे देख सकते हैं जीवन भाई, राज, हर्ष कुमार, ध्रुव कुमार, फिर अंकित भाई, उसके बाद मुजीब, संदीप, ओम प्रताप, आर्यन, आजम एंड सुशांत। सभी लोग का यार थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और कुछ मैसेज था, आदि ढोकला भाई को शाउट आउट दे दो। तो बिग शाउट आउट टू ढोकला भाई। एंड एक भाई लिखे थे, आदि भाई इस बार अगर गॉड लाइक ट्रॉफी विन करी तो आपको 7K UPI करूंगा प्रॉमिस। 7 थाला फॉर अ रीजन। वेल, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, लेट्स सी। अभी तो भाई यहाँ पे बहुत सारा राउंड बचा है तो मजा आएगा। एंड अभी बात करते हैं क्या रहा स्टैंडिंग्स, फिर बात करेंगे ग्रुपिंग। तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स देख सकते हो। अभी यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है अगर कोई पेनल्टी पड़ता है तो। मैंने कल बताया था, मैं पूरा नाम नहीं पढ़ूंगा, बस देख लो। कल यहाँ पे IG Ignite Gaming टॉप पे रहे थे भाई, क्या खेल रहे वो लोग। हाईएस्ट फिनिशेस TWOB का है। फिर लिम्ब्रा भी अच्छा खेल रहे हैं, अंडरडॉग टीम है भाई, अंडरडॉग टीम से भी यहाँ पे अच्छा खेल रहे हैं। सोल गॉड लाइक साथ में है, कल सोल का कमबैक आया था। गॉड्स रेंज, मोगो एंड सेकंड चार्ट देख सकते हो। अभी यहाँ पे टॉप 24 टीम्स बोल सकते हो, यहाँ पे टीम्स को पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। कट ऑफ जो है वो लगभग 46-48 ऐसा होने वाला है। 50 तो क्रॉस नहीं करेगा, अगर बॉटम टीम्स कमबैक करते तो मे बी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे 4 मैचेस बचा हुआ है। और लास्ट चार्ट देखोगे भाई, यहाँ पे बहुत सारी नामी टीम्स है। देखोगे तो यहाँ पे CG, ग्लिचक्स रिबॉन, मेडल, RTG, ऑटोबॉट्स, फिर यहाँ पे रॉ है, OG है सबसे मेन भाई। इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था लेकिन ये राउंड में परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ है। बात करेंगे एंड ओवरऑल MVP, इसमें अभी भी यहाँ पे एडमिनो चल रही है बट स्प्रे गॉड आ चुके हैं, फिर नकुल, गॉबलिन एंड निंजा बॉय आ चुके हैं, और जोनाथन का आई थिंक 45 है तो वो भी जस्ट पीछे ही है। अभी बात करते हैं तो यहाँ पे कल जब मैचेस खत्म हुआ तो पंक भाई अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर किए, नॉट वेंट एज प्लैंड बट विल ट्राई हार्डर। और फिर लिखे थे कुछ दिन पहले, मैंने बताया था वो एक रिक्वेस्ट है, सभी से लाइव चैट को प्लीज़ पॉजिटिव रखो। तो उस पर वापस से लिखते हैं, जो दिल से सपोर्ट करेगा वो हेट स्प्रेड नहीं करेगा। तो भाई अगर आप लोग किसी टीम को सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ किसी और टीम या प्लेयर को हेट मत दो। अभी मैंने देखा कुछ बंदे मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई कुछ फीमेल क्रिएटर को भी हेट मिल रहा है। मतलब भाई चैट में कुछ बंदे होते हैं जो जानबूझ के हेट फैलाते हैं, तो उसको इग्नोर करो और हार्ट स्पैम कर दो या कुछ भी स्पैम करो, अच्छा चीज़, जिससे यहाँ पे हेट कमेंट्स नहीं दिखे, या फिर आदि आदि ही करते रहो जो भी चल रहा है स्पैम। खैर, इसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं ग्रुपिंग के बारे में। तो ग्रुप अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ जो कि कुछ देर के बाद ही होगा, लेकिन जो यहाँ पे एक पैटर्न हुआ था, मतलब ओवरऑल स्टैंडिंग्स के हिसाब से ग्रुप डिसाइड हुआ है। एक पैटर्न था 1-2-3-3-2-1। तो ग्रुप 1 देख सकते हो, इग्नाइट गेमिंग, हीरो एक्सट्रीम, गॉड लाइक, गॉड्स रेंज, सरकार, टीम ड्रैगन, वर्सटाइल, WSB, 8-bit, लॉज, FS, राइवल एपेक्स, TMG, विंड गॉड, लेगेसी, क्रो एंड इम्प्रिंट। उसके बाद ग्रुप 2, TWOB, आईक्यू सोल, मोगो, हैदराबाद हाइड्रास, फोर मिरेकल्स, इनसेन, ब्लिस, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, रैकनिंग ई स्पोर्ट्स, गुजरात टाइगर, करुनाडु, ऑनर्ड राइवल्स, RTG, TCW, रैंग उटेन, जेनेक्स FM। भाई ये फिर से टफ ग्रुप है, कितनी सारी T1 टीम्स है और इसमें ओरेंगू टेन भी है। भाई ओरेंगू टेन को बहुत पॉइंट्स निकालना पड़ेगा 4 गेम में। देखते हैं एंड लास्ट ग्रुप, ग्रुप 3, लिम्रा, इन्फर्नो स्क्वाड, THW, न्यूमैन, सिली, कार्पीडियम, फ्नोएक्स, TX, ब्लाइंड, डू और डाई, ग्लिचक्स रिबॉन, कार्निवल गेमिंग, मेडल, ऑटोबॉट्स, कॉस्मिक एंड R4W। बॉटम की 4-5 टीम से इनको भी पॉइंट्स चाहिए। ये भी ग्रुप ठीक ठाक है। अब ये जो ग्रुप डिसाइड हुआ है ये ओवरऑल स्टैंडिंग से डिसाइड हुआ है, तो यहाँ पे भाई ये मत बोलना कि जानबूझ के ऐसा रखा गया है टीम से, वो ऑब्वियस बात है जो स्टैंडिंग है उससे। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को पेनल्टी मिलता है, अगर स्टैंडिंग्स चेंज होता है तो कुछ टीम ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि अगर चेंज होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट दे दूंगा, फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ग्रुप डिसाइड होने के बाद यहाँ पे ओरेंगुटैन शेयर करते हैं, ट्वीट करते हैं, मे बी द टफेस्ट ग्रुप इज ऑल वी नीडेड। ओके, सो या देखते, अभी जो यहाँ पे 4 मैच हुआ था उसमें ग्रुप उतना हार्ड नहीं था, परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था। लेट्स होप कमबैक करें। उनका लगभग 9 पॉइंट है 4 गेम में, और 4 गेम में लगभग 40 पॉइंट्स तो निकालना पड़ेगा। अब देखते कैसे परफॉर्मेंस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो सारांश, आपको पता होगा गॉड लाइक के एक फीफा प्लेयर थे तो वो एक ट्वीट किए थे, फ्री एजेंट फॉर FC 2025, इंटरेस्टेड टीम्स और प्लीज़ DM और ईमेल भी। मतलब वो यहाँ पे कोई और खोज रहे हैं। तो वहाँ पे एक बंदे ने लिखा था लेफ्ट गॉड लाइक, तो वो लिखे थे येस सैडली हैवेंट रिसीव्ड माई ड्यूज फॉर 6 मंथ्स प्लस। तो उनको यहाँ पे पैसे नहीं मिले हैं, जो सैलरी होगा शायद वो नहीं मिला है।
अभी यहाँ पे गोडा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया है, तो कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने देखा कुछ बंदे बोल रहे थे कि वो तो अभी ब्रेक पे थे, तो वेट करते हैं यहाँ पे गोडा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा तो बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं टीम क्रो के बारे में, जिनका आप लोगों को पता होगा एक प्लेयर बैन खाया था, तो उसके बाद वो लोग ऑफिशियली डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, अभी भी वो लोग खेल रहे हैं। और कल गॉडल क्रो स्ट्रीम कर रहे थे जहां पे वो सब कुछ क्लियर करते जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी चीज़ें हैं, और वो क्या एक्शन लिए है वो प्लेयर के साथ बताता हूं। सबसे पहले वो क्लियर करते कि वो खुद उस टीम से नहीं खेल रहे हैं और ना ही वो कोई सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही कोई और गेम, वो बस वो जो टीम है वो उनका नेम यूज़ कर रहे हैं। और क्रो भाई यहाँ पे एक मैनेजर रख दिए हैं जिससे जो वो जो अंडरडॉग प्लेयर्स हैं उनको स्लॉट मिल सके, बाकी वो यहाँ पे सब कुछ चेक नहीं करते, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, एक तरह से बस वो हेल्प कर रहे हैं अंडरडॉग्स को ग्रो करने के लिए। और वो पहले भी बहुत सारी चीज़ें कर चुकी है, कुछ लोग कमेंट किए थे कि भाई पहले भी उनके साथ स्कैम हो चुका है अंडरडॉग्स के साथ, तो भाई वो बस हेल्प करना चाह रहे थे और वो यहाँ पे देखे नहीं थे कि क्या प्लेयर का सीन है। बट जैसे उनको पता चला कल कि एक प्लेयर बैन खाया है, तो उसके बाद वो प्लेयर के साथ मैनेजर के साथ स्नेहिल भाई को कॉन्टैक्ट किए थे, स्नेहिल भाई को बोले कि डिवाइस चेक करो इसका, वो खुद सामने से गए थे और फिर वहाँ पे स्पाइक भाई भी थे, कुछ और बंदे भी आए थे स्नेहिल के साथ, तो बोलो इसका डिवाइस चेक किए और वहाँ पे वो पकड़ा जाते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या बोले सुन सकते हो। वहाँ पर मैं बैठा, वो बंदे से पूछा हमने कि पता भाई अपना डिवाइस दिखा, ठीक है डिवाइस दिखाया उसने बैटरी में, पता चला वहाँ पर बैटरी में ये दिखाया गया कि उसने एक पीओ में दिखाया गया उसका कि उसने ऐप स्टोर ओपन किया, मतलब कुछ सेकंड के लिए अपना ऐप स्टोर ओपन किया, फिर बैटरी में उसका नहीं दिख रहा था, ठीक है वहां पर एक चीज मेरे को थोड़ा शक हुआ। दूसरी चीज उसने रिसेंटली कुछ डिलीट किया था, रिसेंटली डिलीट किया था वो समझ नहीं आ रहा, उसने बोला गेम्स डिलीट किया, ठीक है अब मैं वहां पर कंफ्यूज हुआ, मतलब कुल मिला के उस हिसाब से वहां पर हमने देखा कुछ चीजें गलत है उसने रिसेंटली डिलीट, जो वो अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाया। वो खुद भी मेरे को कल पता चला वो 18 साल का अभी हो रहा शायद, वो खुद भी अभी बच्चा है, तो मैं वैसा बंदा नहीं कि मैं गालियां भरूं उसको या वैसे चीज़ें, ठीक है बट जो चीज़ गलत है वो गलत है, मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा, ना मैंने इससे पहले कभी गलत का साथ दिया ना अभी दूंगा, जितने भी मेरे भाई यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है अब आते बात वहाँ पर वो चीज़ हमने जो पूछी, मैंने फिर एक ही चीज़ जो पास था वहाँ पर मैंने उसको एक ही चीज़ पूछी, मैं बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गया वहाँ पर क्योंकि मैं ज़्यादा इस चीज़ों में कभी पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है मेरे साथ पहली बार ये चीज़ हुई, मेरे साथ ये बंदे जो चार थे ये बंदों को कोई स्लॉट नहीं देता था, देखो मैं आपको सिंपली बता, तो मैंने बोला अगर मेरी वजह से किसी को स्लॉट मिलता है, किसी को मेरी वजह से कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँ, ठीक है तो एक चीज़ मैंने उनको ये भी क्लियर कर, तुम BMPS में अच्छा करोगे तुम अच्छा खेलोगे, ठीक है तो मैं पहली चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर कि मैं कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं करता इनको ना मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उनको ये तक बताया था कि अगर तुम करते हो लेन तक मेरे को क्यों ना कुछ भी करना पड़े, ठीक है मैं तुम्हें एक क्या बोलते हो उसको सैलरी तक प्रोवाइड या कुछ सोचूंगा आपके लिए इन फ्यूचर, किसी जगह बात कर सकता अगर किसी जगह जाते किसी ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे लिए अच्छा मैं खुश हो जाता कम से कम ये कुछ करता, ठीक है अभी सारा डिसीजन जो है ना जिसके ऊपर आता है वो है क्राफ्टन, ठीक है क्राफ्टन क्या डिसाइड करें, लेकिन मैं आप सबसे जितने भी चैट वाले आपसे वादा करता हूँ, जितने भी आप सबकी रेस्पेक्ट करते हुए मैं आपको ये वर्ड देता हूँ, जब तक क्राफ्टन का डिसीजन नहीं आएगा तब तक ये प्लेयर बैठ जाएगा, ठीक है इसे मैं तब तक नहीं खिलाऊंगा टीम के साथ, ये मेरा वादा है जितने भी बंदे हैं ये, क्योंकि जब तक मुझे इसका क्लियरफिकेशन नहीं मिलेगा क्राफ्ट तक ये चीज़ नहीं करूँ, ठीक है शॉर्ट। और फिर मैंने उसको एक ही चीज़ बोला लास्ट में, बात को मैं कुछ बोल नहीं पाया सीरियसली, मैं वैसा बंदा नहीं भाई बहुत ज़्यादा गुस्से लिया कुछ झगड़ा करूँ लड़ाई करूँ वो चीज़, ठीक है मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, मैंने बहुत मैं सैड हो गया, फिर मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, मैंने बोला मेरे को ये मतलब यही इस दिन के लिए मैंने तुम लोगों का मतलब इतना सपोर्ट किया था, मैंने तुम्हें ट्राई की थी हर जगह तुम्हें स्लॉट देने की, तो आप लोग इस चीज़ पे क्या कह रहे हैं कमेंट में बताना। और ये जो बोले कि वो प्लेयर को खेलने नहीं देंगे, यस कल वो प्लेयर नहीं खेला था, एक भी मैच नहीं खेला, तो अब देखते हैं क्राफ्टन का क्या यहाँ पे डिसीजन रहेगा, उसके बाद ही वो कुछ एक्शन लेंगे। और भाई यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है क्राफ्टन में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चीट करके आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे वो बताया कि हैंडकैम भी कंपलसरी है, वो लोग हैंडकैम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, POV प्रोवाइड कर रहे हैं, तब ये सीन हो रहा है। तो भाई यहाँ पे बाकी और जो टीम पे एलिगेशन लग रहा है मतलब वो लोग भी गड़बड़ कर रहे होंगे, नहीं पता भाई एग्जैक्टली वो लोग क्राफ्टन की तरफ से सही से काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। वेल अब वेट करते हैं अभी क्या डिसीजन रहेगा। एंड चलो आज के इस वीडियो में इतना, जो मुझे बताना था इस सभी न्यूज़ के बारे में, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।